दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। जैसे कि आप देख सकते हैं, आज हमारे पास आया एक नया फ़ोन। तो करते इस पैकेट के अनबॉक्सिंग और देखते हैं कि हमारे पास कौन सा डिवाइस आया है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। ये फ़ोन जो है, ये मैंने मंगवाया था बहुत पहले और अमेज़ॉन से। इस फ़ोन का मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले हम इस फ़ोन की हम इस पैकेट को खोलेंगे और देखते हैं कि है क्या एक्चुअली में। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ Honor View 10 का अनबॉक्सिंग और उसका फर्स्ट बूट विथ माय इम्प्रेशंस कि क्या ये वर्थ है या नहीं। तो लेट्स बिगिन। तो ये है मेरे पास फ़ोन, मतलब अमेज़ॉन का डिब्बा। मैं इसे अभी खोलने जा रहा हूँ, देखते हैं कि हमें अंदर क्या मिलेगा। ये है अमेज़ॉन का, मुझे आज दोपहर को डिलीवर कर दिया गया था, लेकिन सॉरी इसकी अनबॉक्सिंग थोड़ी लेट कर रहा हूँ। तो ये है वो फ़ोन जिसका नाम है Honor View 10 और मेरे पास है एक नेवी ब्लू कलर, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसकी इसके बाकी सारी यहाँ पर चीज़ें लिखी हुई है और मैं इसको आपको ज़रा पीछे दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर, वैसे ही बाकी की चीज़ें मैं आपको बता दूँ। जहाँ कुछ स्पेसिफिकेशन लिखी हुई है, ऑक्टा कोर सीपीयू है 4x2.6 GHz, 4x1.8 GHz, 2 कोर्स इसमें डिवाइडेड है, 4 कोर्स इसमें डिवाइडेड है, इसमें भी 4 कोर्स है। 6 GB रैम है, 128 GB रोम है। हमें एंड्रॉयड 8.0 के साथ मिलता है एकदम लेटेस्ट वाला, ये बहुत बढ़िया बात है। पहले ही अच्छे अच्छे फीचर्स हम टेस्ट कर पाएंगे, जो लोग नूगट में हम उनसे आगे हैं। जियो का वोल्टी और एयरटेल का वोल्टी एक साथ चलेगा या कोई भी वोल्टी ही चल जाएगा। इंडिया में उन दोनों का ही अभी अवेलेबल है, BSNL ने नहीं किया है। इस फिंगरप्रिंट स्कैनर 3750 mAh की बैटरी है, टिपिकल वाली। टिपिकल मतलब जो नॉर्मल वाली होती है उसी टाइप की है। बाकी यहाँ पर कुछ और चीज़ें लिखी, जैसे कि इस फ़ोन का प्राइस लिखा है। यूजुअली ये 35,000 का है, अप्रॉक्स 36,000 का, लेकिन मुझे मिला है 29,000 में, अप्रॉक्स 30,000 में। तो ये बहुत बढ़िया डील है, हो सकती है जिन लोगों को ऐसा फ़ोन लेना है, जितने वन प्लस टाई 5T जितना 120 GB वालों के पैसे नहीं है, तो वो लोग ये फ़ोन को ख़रीद सकते हैं। तो देखते हैं, इस फ़ोन को खोलते हैं और देखते हैं कि इसमें है क्या आखिर। तो मेरे पास है यहाँ पर मेरा कटर। तो सबसे पहले पूरा एकदम प्रीमियम टाइप का बॉक्स दिख रहा है, इसमें लिखा हुआ है मेड इन चाइना हुआवे टेक्नोलॉजीज और बाकी की जो नॉर्मल चीज़ें है। और अभी मैं इस फ़ोन को यहाँ से खोलने जा रहा हूँ, एकदम आराम से कटर से खोल देता हूँ। हाँ, ये रहा वो फ़ोन। ये एक फ्लैगशिप फ़ोन है, सो आप देख सकते हैं मेरे हाथ में है Honor View 10। इसको फटाफट मैं निकालता हूँ, बताता हूँ कि इसकी फील कैसी है फर्स्ट टाइम हैंड में पकड़ने वाली। तो जैसे कि मैं आपको बताता हूँ अभी, इसका जो पीछे का बैक है वो एकदम पूरा मेटल टाइप का है। यहाँ पर सार की वैल्यू दी गई है, जो लिखी है 1.3 W/kg की। डुअल रियल कैमरा, आपका जो डुअल टोन LED है। डुअल टोन LED का मतलब ये होता है, इस सर्कल की आधी वाइट है तो आधी कलर वाली है और बाकी ये थोड़ा आईफोन जैसा दिख रहा है। यहाँ पर जो पूरा दिख रहा है ना डिवाइस, बढ़िया है। इतना अच्छा डिज़ाइन नहीं बोल सकता मैं, डिज़ाइन बहुत अच्छा है। ये पूरा ग्लास है और रिटेल यूनिट की तरह
और रिव्यू यूनिट की तरह इस रिटेल यूनिट में भी प्री अप्लाइड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है। तो मैं 2 मिनट के लिए इस फोन को साइड में रखता हूँ, देखते बॉक्स कंटेंट्स क्या है। जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने खोला आगे का बॉक्स, हमें मिलता है एक सिम इजेक्टर टूल। ये सिम इजेक्टर टूल बहुत काम में आता है, लेकिन सबसे पहले इसमें जो आजकल मोस्ट ऑफ द लोग करते हैं, और ये है वो कवर। एक्चुअली ये ट्रांसपेरेंट हार्ड केस है जो हर कंपनी यूजुअली अपने फ़ोन के साथ देते ही, आजकल एक ट्रेंड बन गया था 2017 में। तो जी ये रहा वो कवर, और मैं आपको अगर लगा के दिखाऊं एकदम, तो एकदम रबरी है, ग्रिप अच्छी रहेगी क्योंकि मेटल फोन्स बहुत स्लिपरी होते हैं। अगर इसमें एक अच्छी ग्रिप रहती है हर फोन में, तो जैसे कि ऐसे दिख रहा है, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। अगर आपको बिना कवर के यूज़ करना है, अपना कोई फ्लिप कवर लगाना है, तो आप ज़रूर से लगा सकते हैं। और दूसरी बात हो गई ये है कि इसमें आपको वही बेसिक सी चीज़ें मिल जाती है जो हुआवे का वारंटी कार्ड है। इसे ध्यान में रखना, कोई भी कंपनी का वारंटी कार्ड कभी खोना नहीं चाहिए, वो इस बॉक्स की पहचान होती है। और बाकी की जो चीज़ें हो गई, वो हो गया हमारा बाकी के मैनुअल्स, ये हो गया आपकी क्विक स्टार्ट गाइड। अगर किसी को ऑनर यूआई पसंद नहीं है या नया लगता है, जो सैमसंग से टर्न हो रहा है या सोनी से, उसको समझना आएगा और वो इसकी मदद ले सकता है। बाकी की जो चीज़ें हो गई, वो है हमारा एक सिम इजेक्टर टूल। तो मैं इसको ज़रा ज़रूर से निकाल देता हूँ पहले। ये रहा वो टूल, इसको मैं अभी रखूंगा 2 मिनट के लिए साइड में। और ये रहे, और ज्यादा कुछ कंटेंट्स तो है नहीं, बस एक चार्जर है। ये एक्चुअली एक फास्ट चार्जर है क्योंकि इसमें क्वालकॉम का क्विक चार्ज 3 का सपोर्ट है, लेकिन इसमें क्वालकॉम का प्रोसेसर नहीं है, लेकिन इसके क्विक चार्ज का सपोर्ट जरूर से है। जैसा देख सकते हैं इसमें वोल्टेज पावर लिखी हुई है, तो इसको 2 मिनट के लिए मैं साइड में रखता हूँ। एक्चुअली ये एक फास्ट चार्जर है, बस हुआवे की ब्रांडिंग है। और ये रहे एज यूजुअल आपकी वो माइक्रो यूएसबी वाली, यूएसबी टू माइक्रो यूएसबी वाली चार्जिंग केबल। हमें इसमें कोई भी ईयरफोन्स नहीं दिए गए, जैसे आप देख सकते हैं कि पूरा पूरा बक्सा खाली है, वो दिखा देता हूँ मैं। सो मेरे ख्याल से ईयरफोन्स देने चाहिए थे, अपने नहीं तो कम से कम किसी और ब्रांड के। तो बॉक्स कंटेंट्स की बात करें तो सब कुल मिला के सारी इतनी ही चीज़ें हैं। ऑनर का बॉक्स, ऑनर हमारा फ़ोन, उसका फास्ट चार्जर, यूएसबी टू माइक्रो यूएसबी चार्जिंग केबल, डेटा सिंकिंग केबल, क्विक स्टार्ट गाइड, वारंटी कार्ड और अपना एक प्यारा सा सिम इजेक्टर टूल। फ़ोन को पकड़ने से लगता है कि थोड़ा हैवी है, तो चलिए मैं इसका कवर निकाल देता हूँ। ये रहा हमारा ऑनर का फ़ोन, तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये रहा हमारा ऑनर का फोन। चलिए मैं आपको पहले एक फिजिकल ओवरव्यू दे देता हूँ। यहाँ पर है इसका प्रॉक्सिमिटी सेंसर, हमारा ये जिसे हम बात करते हैं, ये है हमारा फ्रंट कैमरा, ये हमारे दोनों डुअल रियर कैमरास, हमारी डुअल टोन एलईडी फ्लैश। नीचे से हमें दिया गया एक स्टीरियो स्पीकर, 3.5 mm ऑडियो जैक, एक माइक्रो यूएसबी पोर्ट। सबसे अच्छी बात मुझे इस बात ये लगी कि इसमें एक सेकेंडरी माइक भी है और एक आईआर ब्लास्टर भी है, जो मोस्ट ऑफ द एमआई फोन्स में होता है, जिसे आप अपना एसी, टीवी सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सस्ती चीज़ होती है फ़ोन में लगाने की, तो मेरे ओपिनियन में सबको ये चीज़ को लगाना चाहिए। तो पहली बार मैं अब इसे बूट कर देता हूँ। इसे मैं फटाफट सेट कर देता हूँ अभी,
और सेट करने के बाद हम लोग वापस आता हूँ। मैंने पूरा फ़ोन है जो सेटअप कर लिया है, तो अभी हम इसे ऑन करेंगे। देखिए इसे एक सेकंड में खुल गया है फ़ोन, वापस दिखाता हूँ। ये रखा फ़ोन, सिर्फ टच किया, वन प्लस 5T जैसा ही है फटाफट अनेबल हो जाता है। बाकी की चीज़ें हैं वो नॉर्मली हैं जो आपको एंड्रॉयड 8.0 ओरियो मिलता है। इसका नोटिफिकेशन बार अलग है। चलते हैं सिस्टम में, सिस्टम में चलने के बाद चलते हैं हम अबाउट फ़ोन में। ये आपको बता रहा है यहाँ पर है EMUI Honor View 10, CPU, IME, GPU जो है वो सब दुनिया भर की चीज़ें हैं इसमें बताइए। और इसकी एंड्रॉयड वर्जन की बात करें तो हमें मिलता है एंड्रॉयड का 8.0 ओरियो। तो चलो भाई लोग, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कर देना, और पसंद आए तो इसे शेयर भी कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और मैं आपके लिए इसी तरह की वीडियोस लेके आता रहूँगा। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। हैव अ गुड डे।